हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे अपने क्लास टेंथ के बारे में। क्लास टेंथ के साइंस अपन पढ़ रहे थे, अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड साल्ट, एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे थे यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट। क्या पढ़ रहे थे अपन? यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट, ठीक है। एंड अपन ने क्या कर चुके थे, अपन एक अपन टॉपिक पढ़ चुके थे, एक अपन यूज पढ़ चुके थे उसका, ठीक है। अब आज पढ़ेंगे अपन सेकंड यूज के बारे में। सेकंड जो है अपना वो है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। और अपन देखेंगे कि किस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर उपयोग में आता है अपने डेली जो लाइफ होती है उसके अंदर। और आज के वीडियो के अंदर ही हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडे के बारे में, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और दोनों के दोनों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये अपने डेली लाइफ के अंदर भी यूज आते हैं। अब ये बहुत अच्छी बात होगी, ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कि आपको मतलब पता चलेगी ये कहाँ कहाँ अपन यूज करते हैं इनका, फिर केमिस्ट्री अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज हो रही है उस चीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन अपने फर्स्ट यूज के, अपने सेकेंड यूज के बारे में। फर्स्ट यूज तो अपना क्या था? कास्टिक सोडा था, ठीक है। सेकेंड यूज अपन पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, या इसे कहते हैं विरंजक चूर्ण। इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ये यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलो अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसे बनाया कैसे जाता है, उस बारे में अपन देखेंगे। तो चलिए देखो भाई, क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्रेन, यानी कि लवण विलयन, ठीक है भाई। क्या होता है दिस एंड देखो आगे देखते हैं अपन। दिस गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। भाई क्या हुआ था, लास्ट जो अपना टॉपिक था कास्टिक सोडा के अंदर अपन ने पढ़ा था, तो अपन ने क्या पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट जो होता है प्रोडक्ट, उसके रूप में क्या होता है क्लोरीन गैस निकल रही थी, ठीक है, प्राप्त हो रही थी अपन को। अब क्या होता है, ये जो क्लोरीन गैस जो अपन को उस मतलब कि किसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया था अपने, सोडियम क्लोराइड का, यानी NaCl जो था उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, तो अपन को कास्टिक सोडा एंड क्या प्राप्त हो रहा था अपन को, Cl2 प्राप्त हो रही थी, ठीक है। अब ये जो Cl2 जो अपन को कहां प्राप्त हुई थी, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड में प्राप्त हुई थी, ठीक है। इसका ही उपयोग करके अपन क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे ब्लीचिंग पाउडर को। किसको करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे ऑफ ब्लीचिंग पाउडर को, यानी कि जो अपन ने जब सोडियम क्लोराइड का जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, विद्युत जल अपघटन किया था, तब अपन को उत्पाद के रूप में जो क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी, ठीक है, जो क्लोरीन गैस अपन को प्राप्त हुई थी, उसी गैस का उपयोग करके अपन किसका निर्माण करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं या विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। चलो अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन की। तो ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई साल्ट लाइम एंड ड्राई साल्ट लाइम, यानी कि इसे क्या कहते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना, जो अपन पिछले एक फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था अपने ये चीज, ठीक है। अब बात करो, चलो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज ए COCl2 थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स, द एक्चुअल कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स। चलो अभी ये क्या कह रहा है अपन को, इस बारे में विचार करते हैं, इस बारे में पढ़ाई करते हैं कि भैया जो ब्लीचिंग जो पाउडर होता है, जो फॉर्म्ड होता है, यानी इसका जो निर्माण होता है, ये निर्माण किसके द्वारा होता है, ये क्लोरीन जो गैस होती है उसकी, जो ड्राई साल्ट जो लाइम होता है, ड्राई साल्ट जो लाइम है, शुष्क बुझा हुआ जो चूना है, यानी कि ड्राई जो साल्ट लाइम होता है, उस पर अपन जब क्लोरीन की क्रिया कराते हैं, तब किसका निर्माण होगा अपने, तब अपने ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं, इसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है CaOCl2 के द्वारा, बट इसका जो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो, या इसका जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत जटिल होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बारे में देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। तो ये रहा अपना ड्राई साल्ट लाइम, क्या है ये अपना ड्राई साल्ट लाइम है अपना, ठीक है। इसकी क्रिया करा रहे हैं अपन क्लोरीन गैस से, तो क्लोरीन गैस से कराने पर अपन को क्या होता है प्रेजेंट, ये होता है अपना ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ये हो गया BP, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, एंड H2 गैस अपन को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो होता है
ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है या कैल्शियम हाइपो जो क्लोराइड होता है उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि इसका जो इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसे, तो इसका एक्चुअल कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मतलब इसका जो एक्चुअल जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो एक्चुअल केमिकल जो फॉर्मूला होता है ये होता है, क्या होता है, Ca ब्रैकेट ClO और ये 2, ये इसका होता है केमिकल फॉर्मूला। इसको और खोल लेते हैं अपन, Ca Cl2O2, ये इसका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है फॉर्मूला। तो साइंटिस्ट ये जो केमिस्ट थे उन्होंने क्या करा, इसे और इजी कर दिया इसके रूप में, यानी कि Ca और Cl2 के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से क्या करा जाता है, इसे इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बट अगर एक्चुअल बात करें तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। बट आपको आपके एग्जाम के अंदर या जो भी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है उसके अंदर अपन को क्या लिखना है, अपन को सिर्फ लिखना है ये वाला। ठीक है, Ca और Cl2 के अंदर, यानी कि ये सिर्फ ध्यान रखना है कि एक्चुअल में इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, एंड जिसे अपन रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं वो किस फॉर्मूले से कर रहे हैं, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज तो होगी। अब बात करते हैं अपन इसे ब्लीचिंग पाउडर ही क्यों कहा गया, भाई कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा कि जो कैल्शियम हाइपो जो क्लोराइड है इसे ब्लीचिंग पाउडर ही क्यों नाम दिया गया। ठीक है, तो इस बारे में बात करते हैं। तो ब्लीचिंग का जो मतलब होता है, देखिए ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर ब्लेंडर, कलर ब्लेंडर मतलब कि रंग उड़ा देने वाला। तो जब इसके जो इसका जो फॉर्मेशन किया गया, जब इसके यूज किया गया, इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो क्या देखा गया कि इसने जो है बहुत सारे जो जैसे कि कॉटन फैब्रिक्स हो गए, जैसे कि कॉटन हो गया, लिनन हो गया, इनके सबके क्या हो गया, कलर उड़ा दिए। जो वुड पल्प होती है, वुड पल्प मतलब जो कागज से अपन जो लुगदी बनाते हैं जिसका निर्माण जिसका उपयोग फिर पेपर बनाने में किया जाता है, वहां पर भी इसने क्या किया, कलर ब्लेंडर का कार्य किया, मतलब कि रंग उड़ा देने का कार्य किया। और जो लैटिन शब्द लैटिन जो भाषा होती है उसके अंदर क्या होता है, ब्लेंडर का मतलब होता है ब्लीच, मतलब कि रंग उड़ा देने वाला। इसी आधार पर जो कैल्शियम हाइपो जो क्लोराइड होता है, कौन, जो कैल्शियम हाइपो जो क्लोराइड है इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि सामान्य भाषा में बात करें तो रंग उड़ा देने वाला, विरंजक चूर्ण। विरंजक मतलब कि वी मतलब होता है अलग करना, वी मतलब होता है अलग करना, और रंजक मतलब होता है कलर। ठीक है, तो रंग को अलग करने वाला चूर्ण या पाउडर। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम दिया गया है। चलो अब बात करते हैं अपन इसके उपयोग के बारे में कि डेली लाइफ में अपने कहां कहां उपयोग हो सकता है, अपन कहां कहां ये चीजें देख सकते हैं कि जो कैल्शियम जो हाइपोक्लोराइड है जो अपना ब्लीचिंग जो पाउडर है वो उपयोग में आ रहा है। चलो बात करते हैं इस बारे में अपन, इसके यूजेस देखते हैं। तो फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ लॉन्ड्री। भाई क्या होता है कि जो बहुत सारे जो वस्त्र उद्योग है यानी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री होती है वहां पर क्या होता है, मेजरली दो फैब्रिक्स होते हैं, एक तो कॉटन होता है एंड लिनन होता है। ठीक है, तो इन फैब्रिक में जो ब्लीच करने में यानी इनके कलर ब्लेंडर में यानी कि इनके रंग उड़ाने में किसका उपयोग किया जाता है, अपने कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है, या बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए जो कागज फैक्ट्रीज होती है यानी कि जो पेपर इंडस्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री में क्या करा जाता है, पेपर इंडस्ट्री में जो वुड पल्प होती है यानी कि जिसे अपन सामान्य भाषा में कहते हैं लुगदी कहते हैं, कागज की लुगदी, तो वहां पर भी क्या होता है, ब्लीचिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जो लॉन्ड्री वगैरह में होते हैं, जो आपने देखा होगा जो लॉन्ड्री वगैरह वाले होते हैं वो उनमें जब अपने किसी फैब्रिक पे क्लोथ पर कोई भी कलर लग जाए, ठीक है, तो उस कलर को वो किस केमिकल के द्वारा, किस रसायन के द्वारा हटाते हैं, वो रसायन होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। जैसे कि बात करें मेरी ये शर्ट है, ठीक है, इस शर्ट पे अगर कोई भी कलर लग जाता है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये मार्कर से लग गया, ये अपना ब्लैक कलर लग गया, अब ये क्या हो रहा है, सामान्य धुलाई से नहीं छूट रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, इसको लेके जाएंगे लॉन्ड्री वाले के पास, तो लॉन्ड्री वाला क्या करेगा इसके लिए कौन सा केमिकल यूज करेगा, तो लॉन्ड्री वाले ने मेरी शर्ट को रंग हटाने के लिए क्या करा, उसने करा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज करा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कपड़ा उद्योग होते हैं यानी कि बात करें वॉश क्लोथ यानी कि लॉन्ड्री के अंदर, लॉन्ड्री के अंदर कलर कपड़ों से कलर हटाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं एज एन ऑक्सीडेंसिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। भाई क्या होता है, एक ऑक्सीडेंसिंग एजेंट यानी कि उपचायक जो पदार्थ होता है, उपचायक पदार्थ के रूप में भी क्या किया जाता है, इसका बहुत सारे जो रसायन जो उद्योग होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब उनमें क्या उपयोग है इसका,
भाई इसकी जो नेचर होती है किसकी, अपन बात कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम हाइपो जो क्लोराइड है भाई, इसकी जो नेचर है ये नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रकृति रखता है ठीक है। तो उपचाय क्या होते हैं भाई, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को अगर किसी को दे दे ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो पदार्थ उपचाय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं भाई। जैसे कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दे गए, तो इसकी नेचर कैसी होगी, इसकी नेचर होगी ये ऑक्सीडेंसिंग एजेंट के रूप में कार्य करेगा, इसकी नेचर कैसी होगी उपचायक की ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये उपचाय के रूप में कार्य करता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज के में ठीक है। अब बात करेंगे अपन थर्ड उपयोग के अपने बारे में कि भाई थर्ड उपयोग फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। भाई क्या होता है कि जो पीने का जो पानी होता है, ये जो पीने का जो जल होता है ठीक है, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उससे क्या करें, रोगाणु नाशक जो होता है यानी कि रोगाणु मुक्त करने में, यानी कि उस पानी से जो जर्म्स वगैरह हैं, जो कीटाणु वगैरह हैं, उन सबको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है ठीक। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ उपयोग थे इसके, ये अपने फॉर्मेशन देख लिया इसका, इसके नाम के पीछे का रीजन भी अपन जान चुके हैं क्यों दिया गया ठीक है, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन किया था ये चीज भी अपन देख सकते हैं, डेली लाइफ में कहां कहां उपयोग आ रहा है ये भी अपन देख चुके हैं ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना होता है सेकंड जो उपयोग था, यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट का, ये अपना कंप्लीट होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब जो थर्ड अपन पढ़ेंगे तो तीसरा अपना जो उपयोग होगा वो कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में अपन पढ़ाई करेंगे। तो चलो बात करते हैं अपन अपने अगले यूजेस के बारे में, जो कॉमन साल्ट का जो अगला उपयोग है जिसे अपन क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, या इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा, या इसका जो सामान्य नाम है इसे ब्रेड सोडा भी कहा जाता है, या इसे कुकिंग सोडा भी कहा जाता है ठीक है। तो इतने सारे इसके नाम है और इसका जो फॉर्मूला, जो केमिकल जो फॉर्मूला होता है, होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ओके। तो चलो अब बात करते हैं अपन इसे किस प्रकार से बनाएंगे अपन, या किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है, तो इस बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए ठीक है। तो चलिए पढ़ाई देखते हैं, सबसे पहले तो सिलेबस क्या कहता है आपका कि द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन ऑफ मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास, यानी कि जो बात करें जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है अपना, यानी कि जो बेकिंग सोडा जो है इसका सामान्य उपयोग कहां पर किया जाता है, किचन के अंदर, रसोई घर के अंदर या रेस्टोरेंट्स में किया जाता है, जो किस काम में आता है, टेस्टी मेकिंग फॉर टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास, यानी कि जो स्वादिष्ट जो पकौड़े होते हैं उन्हें बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ये भाई साहब किसमें काम आते हैं, ये आते हैं टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास बनाने में ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं अपन, समटाइम इट्स एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। अब क्या होता है, कभी कभी खाने को जल्दी बनाने के लिए या जल्दी पकाने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अब देखो जैसे कि आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में भाई, इतने सारी पब्लिक्स वगैरह आती है तो वहां पर जो खाना एडवांस में तैयार रहता है, जल्दी तैयार रहता है, कभी कभी जो होता है हैंड वेंड भी बनाना पड़ता है, तो क्या होता है जो खाने जो बनने की यानी कि जो पकने की जो उसकी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फास्ट किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि उसमें कौन सा केमिकल डाला जाता है, जो रसायन होता है ये डाला जाता है अपना बेकिंग सोडा, उससे क्या होता है कि जो भोजन जो होता है ये कहता है फास्टर कुकिंग हो जाती है, मतलब कि भोजन जल्दी पक जाता है ओके। तो इस प्रकार से इसका जो यूजेज होता है किसके अंदर भी कहता है, फास्टर कुकिंग में भी किया जाता है, ये एड किया जाता है फॉर फास्टर कुकिंग के लिए। आगे चलो, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भाई इसका जो रासायनिक जो नाम होता है, ये नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों, देखो सोडियम है इसके अंदर, ये हाइड्रोजन है इसके अंदर, और कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3। तो इस प्रकार से इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो किस प्रकार से इसे बनाएंगे अपन, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज अ वन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है, यानी कि जो अपना कॉमन साल्ट है, यानी कि जो अपना सामान्य जो लवण है ठीक है, तो ये जो कॉमन साल्ट है NaCl, इसको कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग में किया जाता है, और किसको प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ठीक है। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसके फॉर्मेशन में कौन रॉ मटेरियल के रूप में
काम करता है, ये काम करता है NaCl कॉमन सॉल्ट, तभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए, रॉ मटेरियल के रूप में सबसे पहला जो कंपाउंड होगा अपना ये होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, सेकंड जो कंपाउंड होगा अपना जल, थर्ड जो होगा CO2, एंड बात करें तो अपना अब क्या होगा जल और NH3। दो बार जल हो गया, ठीक है। तो चलो बात करते हैं अपन, तो फोर एलिमेंट्स, फोर कंपाउंड्स होते हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में कार्य करते हैं, किसको प्रोड्यूस करने के लिए, किसे फॉर्मेशन करने के लिए, ये फॉर्मेशन करने के लिए होते हैं जरूरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। ठीक है, तो फर्स्ट जो अपना रॉ मटेरियल के रूप में होता है सोडियम क्लोराइड, सेकंड जो होता है अपना ये होता है जल, थर्ड जो होता है CO2, एंड जो फोर्थ होता है अपना ये होता है अमोनिया या NH3। ठीक है, इससे दो कंपाउंड बनते हैं आपके, इससे दो कंपाउंड बनेंगे इस रिएक्शन के अंदर, एक तो होता है NH4Cl, एंड जो दूसरा होता है अपना मेन कंपाउंड यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है अपना यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये तो होता है मेन प्रोडक्ट के रूप में यानी कि ये तो हो गया MP यानी कि मेन प्रोडक्ट, और ये जो होता है हेल्पिंग प्रोडक्ट होता है जो इनकी सहायक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये अपन को सहायक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ओके, अब बात करते हैं अपन कि इट इज ए माइल्ड नॉन कोरोसिव, इट इज ए नॉन माइल्ड कोरोसिव, कोरोसिव मतलब संक्षारक। ठीक है, बेस्ट द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है भाई, क्या होता है कि सबसे पहले बात की जाए अपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो क्या होता है ये एक नॉन संचारक प्रकृति का होता है, नॉन कोरोसिविक नेचर का बेस होता है, यानी कि क्या होता है ये मतलब प्रबल नहीं होता, यानी कि बात करें तो ये हीटेड या थोड़ी सी ऊष्मा देने पर क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन से प्रकृति का है, ये है नॉन कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि द फॉलोइंग रिएक्शन यानी कि जो ये रिएक्शन है, यहाँ पर जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन ये बता रही है अपन कि जब इसे गर्म किया जाता है या जब इसे ऊष्मा दी जाती है यानी कि जब सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है जब उसे अपन हीट देंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, इस प्रकार से अपन इस रिएक्शन को समझते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर कि ये रहा अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसे अपन हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, यानी कि ये कौन सी होगी, ऊष्मा दे रहे हैं किसी रिएक्शन को, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो जब एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, टूट जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर, सॉरी सोडियम कार्बोनेट के अंदर, जल के अंदर और CO2 के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होता है, टूट जाता है थोड़ी सी ऊष्मा देने पर या ऊष्मा देने पर, यानी कि इसकी कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, इसका अपना फॉर्मेशन देखा, इसका अपन ने देखा कि इसकी एंडोथर्मिक रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे कि भैया चलो ठीक है समझ में आ रहा है, बेकिंग सोडा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेकरी के अंदर इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि बेकरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है तो उसमें इस कारण से बेकिंग सोडा कह रहे हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके जो केमिकल स्ट्रक्चर में जो इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या, यही है सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट है। ठीक है, एंड बात करें इसे ब्रेड भी क्यों कहते हैं, ब्रेड के अंदर भी ये यूज आता है, ब्रेड सोडा क्यों कहते हैं। ठीक है, कुकिंग सोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि भोजन पकाने में भी इसका यूज आता है, ये रीजन समझ में आ रहे हैं भैया, यहां पर ये उपयोग हो रहा है तो क्या हुआ, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कुकिंग सोडा या ब्रेड सोडा। ठीक है, या बेकिंग सोडा अपन कह सकते हैं। ठीक है, जिस बेकिंग सोडा के अंदर सारी चीजें कवर हो जाती है। अब अपन बात करें कि इसे सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों कहा जाता है, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा इस नाम के पीछे, सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों कहा जाता है भाई, बाइक का मतलब बेसिकली तो दो से लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या ऐसी चीजें जो दो है, ये चीज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए अपने माइंड के अंदर, तो इसी रीजन को अपन देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये क्यों कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यानी कि इसका जो ये नाम क्यों है, किस लिए पढ़ा, तो देखिए द प्रीफिक्स बाय इन बाइकार्बोनेट कम्स फ्रॉम एन आउटडेटेड नेमिंग सिस्टम एंड इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट देयर इज ट्वाइस एज मच कार्बोनेट पर सोडियम इन सोडियम इन सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉरी एक सेकंड देखें
एंड सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट ये होता है NH, ये होता है अपना Na2CO3। डन, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि इसका जो है ये नाम क्यों पड़ा। भाई देखो, सबसे पहली बात तो जो बाय का जो प्रीफिक्स जो पद्धति के अनुसार किया जाता है वो कौन सी, एक आउटडेटेड नेमिंग सिस्टम होता है, यानी कि जो प्राचीन पद्धति है उसके अनुसार इसका बाय नाम पड़ा। लेकिन बाय इस पद्धति में भी बाय नाम क्यों दिया, इसका ऑब्जर्वेशन जो है, इसका जो अवलोकन है वो किस प्रकार किया गया, कि बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि बात कर रहे हैं अपन, जैसे अपन थोड़ा साफ कर रहे हैं यहां पर, ठीक है भाई, जैसे कि अपना ये फॉर्मूला है, ठीक है, NHCO3। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कार्बोनेट जो आयन होते हैं वो सोडियम आयन की तुलना में करते हैं दुगने होते हैं। भाई ये जहां ये एक है वहां पर ये दो होगा, जहां पर ये दो है वहां पर ये क्या होगा, चार होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, दुगने होते हैं, ठीक है, यानी ट्वाइस होते हैं। देखो, ट्वाइस एज मच कार्बोनेट पर सोडियम, ठीक है, यानी कि ट्वाइस होते हैं, किसकी तुलना में होते हैं, ये सोडियम की तुलना में। अब क्या होता है, Na2CO3 ये भी क्या है, कंपाउंड है, ये भी कार्बोनेट है, बट इसके अंदर क्या होता है, जहां पर ये दो है वहीं पर ये क्या रहता है, दो रहता है, यानी कि इसमें क्या है, इक्वल है, इसमें बाय की जरूरत नहीं है। बाय की जरूरत कहां पड़ी अपन को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, क्योंकि इसके अंदर जो सोडियम होता है उसके तुलना में जो कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, दुगना होता है। इस प्रकार से इसके जो दुगने होने के कारण, यानी कार्बोनेट आयन के ट्वाइस होने के कारण क्या करा गया, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा गया है। क्योंकि देखो, कार्बोनेट के आगे क्या लगा है, बाई, तो मतलब क्या होता है, कार्बोनेट इसके अंदर दो होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो केमिकल जो नेम है ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अपने पास रीजन है इस चीज का, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना फॉर्मेशन हो गया इसका, इसका अपने एंडोथर्मिक रिएक्शन देख ली, इसके कहां कहां पर उपयोग थे ये भी देख ली। अब इसके मेजर जो यूजेस हैं, जो इसके ज्यादातर जो उपयोग हैं वो उपयोग अपन देखते हैं, ठीक है। तो अपन बात करेंगे अब किसके बारे में, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, इस बारे में। तो चलिए अपन देखते हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पहला उपयोग, ठीक है। तो चलो अपन देख रहे हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड अब बात करेंगे अपन फर्स्ट इसकी, तो फॉर मेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज ए टार्टरिक एसिड, व्हेन बेकिंग पाउडर हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। भाई क्या होता है, जो बेकिंग जो सोडा था, जो बेकिंग अपने जो पढ़ा था पाउडर, उसके अंदर जो मेजरली कौन उपयोग में किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, और उसी के नाम के आधार पर इसे बेकिंग सोडा दिया गया है, ठीक है। तो क्या होता है, जो मेजरली अपन इसका उपयोग करते हैं, इसका अपन बात कर रहे हैं NHCO3 की, ठीक है, उसके साथ क्या करते हैं अपन, जो मंद एसिड्स होते हैं, जैसे की बात करें अपन, जो माइल्ड एडिबल जो एसिड्स होते हैं, जैसे की बात करें अपन टार्टरिक एसिड हो गया, और भी जो एसिड्स होते हैं उनका इसके साथ में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। और उस उपयोग के फलस्वरूप क्या होता है, अपन बेकिंग पाउडर का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जब इसे गर्म किया जाता है, ये जल में मिलाया जाता है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं, ये है अपना सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है। इसे अपन किस रूप में जानते हैं, इसे जानते हैं अपन बेकिंग पाउडर के रूप में, तो बेकिंग ये पाउडर हो गया, ठीक है, बीपी हो गया अपना, ठीक है। तो अब ये सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी कोई सा भी अपन एसिड ले सकते हैं, माइल्ड एडिबल एसिड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अपन बात करते हैं टार्टरिक एसिड ले लिया, तो टार्टरिक एसिड क्या करेगा, H+ देगा, ठीक है, इसने H+ दिया, तो इस प्रकार से क्या हुआ, अपन को CO2H2 तो मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगी, और जो भी जो बचेगा, जैसे कि अपन बात करते हैं सोडियम साल्ट एसिड के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। फिर जैसे कि अपन मान लेते हैं इसकी जगह अपने HCl ले लिया, ठीक है, HCl अपन ने ले लिया, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, यानी सोडियम साल्ट, लेकिन ये कौन सा होगा, अम्ले नेचर का होगा, ठीक है, इस प्रकार से बनता है, ओके। तो अब क्या होता है, इस प्रकार से अपन को क्या प्राप्त होता है, बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन जब अपन सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है उसको गर्म करेंगे या इसको जल के अंदर मिलाएंगे, तो कौन सी रिएक्शन होगी, तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। चलो अब क्या हुआ, ये जो रिएक्शन है
इस रिएक्शन में जो अपन को ये जो CO2 प्राप्त हुई है, ये बहुत काम की चीज है, ये अपने बहुत काम आने वाली है। क्यों काम आने वाली है? क्योंकि इसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड हुई है, ये रिएक्शन क्या काम आती है, जो केक्स एंड ब्रेड, भाई जो ब्रेड होते हैं, जो केक्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उन्हें सॉफ्ट बनाने में, उन्हें स्पंजी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में की जो रिएक्शन होती है इसके अंदर उत्पन्न हुई CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो आपने देखा होगा आपके आसपास जो केक, जो बेकरी होती है जहां पर ब्रेड बनते हैं, ये जो बाटिया जो आती है उस प्रकार की, जो पाव जिसे अपन कहते हैं, जो पाव होता है उनको फुलाने में जो इतने जो फूल जाते हैं वो किसका उपयोग होता है, CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है, CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। और ये गैस कहां से प्राप्त हुई अपन को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन से प्राप्त हुई। ठीक है, इस प्रकार से बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे के बारे में। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स बीइंग अल्कलाई, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। भाई क्या होता है, सोडियम जो हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक किसके रूप में उपयोग होता है, एक इंग्रेडिएंट के रूप में उपयोग होता है, एंटी एसिड। एंटी एसिड कुछ दवाइयां होती है जो हमारे पेट के अंदर क्या होती है, भाई सबसे पहले बात तो ये करो आप कि भैया एंटी एसिड में इंग्रेडिएंट के रूप में कौन उपयोग हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्यों होता है, क्योंकि भाई क्या होता है, एंटी एसिड वह दवाइयां होती है जो अपने पेट के अंदर, जो अपना पेट है, इस पेट में जो अम्लीय जो प्रवृत्ति बढ़ जाती है, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एसिड की हो जाती है, यानी बढ़ जाती है एसिड की मात्रा, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करेगा, अपने पेट के अंदर बढ़ी है, जैसे कि बात करें पेट के अंदर क्या बढ़ी है, अपने पेट के अंदर बढ़ चुकी है एसिड की मात्रा। ठीक है, तो ये अपना एसिड होगा, ये अपना बेस होगा, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन करेंगे और आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिससे जो बड़ी मात्रा वह उदासीन हो जाएगी। ठीक है, और अपन को क्या होगा, पेट में राहत मिलेगी। तो जो दवाइयां जो होती है आप लाके आते हो कि पेट में थोड़ा सा दर्द कर रहा है या पेट में थोड़ा सा गड़बड़ी है जो भी है, तो वो क्या लाते हो, दवाई के रूप में एंटी एसिड लाते हो। ठीक है, मार्केट पे गए, मेडिकल पे गए, तो आप क्या लाए, एंटी एसिड लाए। ठीक, बट उस एंटी एसिड में क्या है, कंपाउंड के रूप में कौन यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, अपन ने पढ़ा था, अपन ने कौन एक और पढ़ा था, MgOH का वर्ल्ड वाइज, वो भी पढ़ा था। तो वो सब क्या होते हैं, एंटासिडिक प्रॉपर्टीज के कारण इनका यूज किसके रूप में किया जाता है, दवाइयों में किया जाता है, मेडिसिन में किया जाता है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं अपन, इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सीडेंसर्स। मतलब क्या होते हैं एक्सीडेंसर्स, मतलब क्या होता है एक्सीडेंसर्स, मतलब होता है अग्निशामक, अग्निशामक। भाई क्या होता है, कभी कभी जो आग लग जाती है, ठीक है, तो उनमें क्या करते हैं, इसका जो सोडा एसिड फायर के रूप में उपयोग किया जाता है, शुष्क आग के रूप में, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ आग लगी, तो क्या होगा, इस रिएक्शन में जो अपन को प्राप्त होगा ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका उपयोग किया जाता है उस आग को बुझाने में, तो वो शुष्क आग होती है ड्राई रूप में। ठीक है, इसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि सोडा एसिड फायर एक्सटेंजर्स के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करें अपन एब्जॉर्बेशन एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। अपने जो शरीर के अंदर जो एब्जॉर्बेशन होता है आयनों को एब्जॉर्ब करने में, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन हो गया, जो भी आयन होते हैं, बहुत सारे आयन होते हैं अपने बॉडी के अंदर, उन्हें एक तो क्या करा जाता है, एब्जॉर्ब करा जाता है इसके द्वारा, एंड उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, किसके द्वारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा। आगे बात करते हैं अपन कि फंजाई एंड पेस्ट कंट्रोल में इसका जो उपयोग होता है, ठीक है, इसका जो उपयोग है फंजाई या जो कीटनाशक जो होते हैं उनके कंट्रोल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मेजरली 5 थे आपके उपयोग किसके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। ये जो फर्स्ट उपयोग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। तो इस प्रकार से इस वीडियो में अपन क्या पढ़ चुके हैं, अपन टोटल अब 3 यूजेस पढ़ चुके हैं कॉमन साल्ट्स के। ठीक है, सोडियम सबसे पहले से क्या पढ़ा अपन ने, कास्टिक सोडा पढ़ चुके हैं, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ चुके हैं, बेकिंग सोडा अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे अपन। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह आपके हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, ठीक है, एंड अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना इस वीडियो को, ताकि वो भी क्लासेस ले पाए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वतंत्रता दिवस की आपको फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और गोपी कोचिंग क्लासेस की तरफ से। वीडियो देखने का
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।